वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी का चैप्टर देखेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप एम कॉम प्रीवियस ईयर में हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ अब एम कॉम की रेगुलर वीडियोज़ अपलोड हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, इस चैप्टर को समझने में मिलने आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो क्या है, एक लार्ज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। क्या उस कंट्री को कंट्रोल कौन करता है? उस कंट्री को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है। क्या गवर्नमेंट अकेले पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकती है? नहीं, पूरी मतलब जो गवर्नमेंट है पूरी इंडिया को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया गवर्नमेंट ने अपन खुद को क्या कर लिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पार्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा पार्ट है आपका लोकल अथॉरिटी। ये चैप्टर पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? लोकल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है। फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है। ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो उसे फॉलो किस को करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पॉलिसी अप्लाई की, जैसे स्कीम निकाली एम जी नरेगा की उसने स्कीम निकाली। ये आप इसलिए क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। ठीक है, ये किसके लिए बनाई गई है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पूरी कंट्री पे अप्लाई कर पाएगी इस स्कीम को? नहीं कर पाएगी। तो इसने क्या किया, खुद को क्या कर लिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, खुद को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा पार्ट है लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो स्कीम निकाली गई है, तो ये स्कीम किसने निकाली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसके लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो ये क्या करेगी, ये इस स्कीम को क्या फॉरवर्ड कर देगी किसी स्टेट गवर्नमेंट को और इसे कहेगी कि आप अपनी स्टेट में इस स्कीम को लगाओ। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी लोकल अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगी कि आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट पे वहाँ इम्प्लीमेंट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, ये पूरी कंट्री के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये किसके ऊपर करती है, ओनली एक स्टेट के ऊपर काम करती है। और जो लोकल अथॉरिटी होती है वो किसके ऊपर काम करती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करती है। समझ में आ गया कि लोकल अथॉरिटी का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है, लोकल अथॉरिटी क्या काम करती है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, इनकम टैक्स इम्पोज करना, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स क्या करना, इम्पोज करना पूरी कंट्री के ऊपर। कुछ टैक्सेस को हटा कर अभी क्या ला दिया गया है, GST ला दी गई है। इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो करती है टैक्स लगाती है, RVAT के ऊपर टैक्स लगाती है, अल्कोहल पे टैक्स लगाती है, व्हीकल्स के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर जो टैक्स लेती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ, लग्जरी कंजप्शन टैक्स हुए, ये सारे टैक्सेस कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, अब बात आई लोकल अथॉरिटी, जो अपना मेन पॉइंट है। लोकल अथॉरिटी क्या करती है, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज स्कीम्स को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या है इनकम के। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। लैंड और बिल्डिंग पे जो टैक्स लगाती है वो कौन लगाती है, लोकल अथॉरिटी लगाती है। रियल इस्टेट का काम हुआ, मतलब बिल्डिंग का जो काम हुआ वो कौन करती है, लोकल अथॉरिटी करती है। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि लोकल अथॉरिटी क्या करती है। पहला करती है वो कि वो क्लीन द सिटी, क्लीन सिटी को क्लीन रखने का काम भी लोकल अथॉरिटी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, लाइट वाटर फैसिलिटीज़ जो आप देखते हो अपने एरिया में वो कौन प्रोवाइड करवाता है, लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इसे इनकम कहाँ कहाँ से होती है, ये इनकम होती है वाटर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उससे जो पैसा आता है ये इसकी क्या है, इसकी इनकम है। फूड ग्रेन, राशन कार्ड पे जो फूड ग्रेन मिलता है, गेहूं मिलता है, चीनी मिलता है, वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है, आपको लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो
कौन बनाता है, ये बनाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और इसका काम क्या होता है, इनकम टैक्स इम्पोज करना, जो टैक्सेस अभी मैंने पीछे बताया वो सारे टैक्सेस इम्पोज करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, इसका कंट्रोल पूरे स्टेट के ऊपर होता है, मतलब एक राज्य के ऊपर रहता है। और इसका कंट्रोल किस पर रहता है, ये पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल रहता है, और इसका कंट्रोल रहता है एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कंट्रोल रहता है। इसका क्या, इसका काम क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ऑर्डर्स इशू किए वो इम्प्लीमेंट करना अपने स्टेट के ऊपर, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है किसके थ्रू, लोकल अथॉरिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है। तो लोकल अथॉरिटी क्या है, लोकल अथॉरिटी क्या होता है, इसे एक विलेज कहा सकता है, विलेज हुई, स्मॉल सिटीज़ हुई, बिग सिटीज़ हुई, लार्ज सिटीज़ हुई, अर्बन एरियाज़ हुआ, इन सब पे कंट्रोल किसका रहता है, लोकल अथॉरिटी का रहता है, ठीक है। तो आप एक बार और मैं समझा देती हूँ आपको ईजी वे में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पास कर देता है स्टेट को, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देता है स्टेट को, स्टेट पास कर देता है लोकल अथॉरिटी को, पास कर देता है, ठीक है। ये इसका एक फ्लो चार्ट है, ये मान सकते हो। अब लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी का काम क्या होता है, सिटी को क्लीन रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, जैसे लाइट, वाटर फैसिलिटी, रोड, पार्क्स जो होती है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन कराता है, लोकल अथॉरिटी करवाती है, ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या होता है, कि जो भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी इम्प्लीमेंट किया है, उनको क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना पब्लिक वेलफेयर के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में क्या करना, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो सके। जैसे अभी मैंने लिया था मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना जिसे बोलते हैं, है ना। अब देखो जो लोकल अथॉरिटी होती है, आपको समझ में आ गया, ये क्या होती है, सबसे छोटी लेवल होती है गवर्नमेंट की। पहला लेवल कौन सा होता है, टॉप लेवल सेंट्रल होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, और सबसे लास्ट वाला लेवल कौन सा होता है, लोकल अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब इसका इनकम कहाँ से, ये पैसा कहाँ से कमाती है, ठीक है, ये पैसा कमाती है वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके पैसा कमाती है, फूड ग्रेन हुआ, शुगर हुआ, इनको क्या करता है, सेल करके, राशन कार्ड से सेल करके क्या होती है, पैसा कमाती है। जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट की जो भी लैंड होती है, जो अगर वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो वो क्या कर सकती है, उसको रेंट पे देकर पैसा। देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। पहला है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के नाम से पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड है, विलेज से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आपका लोकल अथॉरिटी का सेकंड पार्ट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ काम करती है, ये काम करती है अर्बन एरियाज में, मतलब सिटीज़ में काम करती है, जो स्मॉल सिटीज़ होती है वहाँ ये काम करती है। थर्ड है आपका अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या है, UIT, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अर्बन UIT बोलते हैं। ये कहाँ काम करती है, ऐसी लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी का पार्ट है, जो कहाँ काम करती है, ये काम करती है बिग सिटीज़ में, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ काम करती है। थर्ड है आपका अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपन JDA भी बोलते हैं, ये आपके लार्ज सिटीज़ में काम करती है। लार्ज सिटीज़ का मतलब होता है जयपुर एंड दिल्ली, ऐसी सिटीज़ के ऊपर ये वाले काम करते, बाकी की सिटीज़ पे नहीं करते, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका नगर निगम, नगर निगम के नाम से आपको पता ही होगा कि नगर निगम आपके सिलेक्टेड एरिया में काम करती है। तो अब इन सबको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में क्या होता है, ये ग्राम पंचायत विलेज के लेवल पे काम करती है। इस पे एक तो पंच होता है, एक क्या होता है, सरपंच होता है, जिसे सेलेक्ट किया जाता है विलेज के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो इसमें जो भी स्कीम्स प्रोग्राम्स होती है गवर्नमेंट की, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करती है विलेज में। और इन सब को देखने के लिए, इन सब की वो ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब कुछ देखने के लिए कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, VDO होते हैं, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं सारे अफेयर्स के ग्राम पंचायत के। समझ में आ गया ग्राम पंचायत, ठीक है। अब सेकंड आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ काम करती है, अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़, स्मॉल सिटीज़ में काम करती है, ठीक है। तो इसमें इसका जो हेड होता है, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है, RAS होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिसे क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समझ में आ गया, हम ये क्या करती है, स्मॉल अर्बन एरियाज पे काम करती है,
और इसमें भी वार्ड मेंबर्स होते हैं। थर्ड आता है आपका अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इसे सही कर लेना, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये कहाँ काम करती है? बिग सिटीज़ में काम करती है, ठीक है। इट इज़ इस्टेब्लिश इन बिग सिटीज, इट्स मेन फंक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज, जो भी नई कॉलोनीज होती है आउटसाइड द एरिया, आउटर एरिया के लिए। जैसे अपन जयपुर में रहते हैं, जयपुर के बाहर जो आउटर एरिया होगा वहाँ काम कौन करेगा? अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट टू क्लीन द सिटी, सिटी को क्लीन करने का काम, इसके लिए जो भी अरेंजमेंट करना है वो काम भी आपका कौन करता है? अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करता है, ठीक है। फोर्थ है आपका अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपन JDA बोलते हैं। इसका काम लगभग UIT से सिमिलर होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो क्या करती है? तो बिग सिटीज़ में काम करती है। ये क्या, कहाँ काम करती है? लार्ज सिटीज़ में करती है, ठीक है। लार्ज सिटीज़ का मतलब जयपुर दिल्ली में काम करती है, ठीक है। फिफ्थ है नगर निगम, नगर निगम का आपके डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं पब्लिक की वो सॉल्व करती है। जैसे आपकी घर पे कचरे की गाड़ी आती होगी, वो कौन कहाँ से आती है? नगर निगम से आती है। तो नगर निगम ये पूरे होल्ड करके रखती है कि कौन सा एरिया उनका है, और उन एरिया में ही वो क्या करती है? अपनी सर्विस देती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है कि अथॉरिटी के टाइप्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं अपन लोकल अथॉरिटी। ए लोकल अथॉरिटी मीन्स अ लीगल एंटिटी इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ म्युनिसिपल और लोकल फंड। कि देखो लोकल अथॉरिटी क्या, एक लीगल एंटिटी है जो क्या की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, उनका जिसका कंट्रोल है पूरा, मैनेजमेंट किनके पास रहता है? पंचायत के पास रहता है, म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट्स, कंटेनमेंट्स बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ चार्जेस सेक्शन, जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से चार्जेस सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन हुआ, अदर सोर्सेज हुआ, आपकी अगर आप कमोडिटी सप्लाई कर रहे हो खुद के एरिया में तो वो होगा। एक होगा आप वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर आप खुद के एरिया में कर रहे हो तो भी सेक्शन चार्ज होगा, और बाहर कर रहे हो तो भी चार्ज होगा। अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको उसे कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ मिलेगी। एक मिलेगी आपको कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्टेड होती है और कौन कौन से इनकम पे टैक्स लगता है। तो आप याद रखना कि हमेशा जो एग्जेम्प्टेड इनकम होगी वो कौन सी होगी? हाउस प्रॉपर्टी की होगी, कैपिटल गेन की होगी, अदर सोर्सेज की होगी, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में ओनली दो पॉइंट है उसके एग्जेम्प्टेड होगी, बाकी की नहीं होगी। जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स ऑन, मतलब अगर पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप खुद के एरिया में भी कर रहे हो और उसके बाहर भी कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे समझिए। अगर आप कमोडिटी सेल करते हो खुद के एरिया में तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर बाहर करते हो तो मतलब उस पर टैक्स लगेगा। तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई। एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब खुद के एरिया में काम कर रहे हो तब आपकी इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड है। अब देखेंगे इनकम जो क्या है आपके टैक्सेबल है, ठीक है। आपका है टैक्सेबल इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, एंटायर इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी शुड बी एग्जेम्प्ट, मतलब जितनी भी इनकम है सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आउटसाइड इन ऑन एरिया, मतलब खुद के एरिया के बाहर कर रही हो सप्लाई आप कमोडिटी और सर्विस की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वाटर एंड सप्लाई वाला नहीं आता है, तो समझ में आ गया आपको। इलस्ट्रेशन देखेंगे आपकी बुक का। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको क्या बताना है? आपको स्टेटस बताना है कि ये जो आपको गिवन है वो किस टाइप की कंपनी है, ठीक है, ये है क्या, ठीक है, इसका स्टेटस बताना है। तो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सेकेंड है आपका नगर निगम। नगर निगम के लिए अपन ने अभी पढ़ा था कि क्या है, लोकल अथॉरिटी है, ठीक है। थर्ड क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये क्या है? लिमिटेड आ गया तो ये क्या है? एक कंपनी है। मेसर्स रमेश बुक डिपो, क्या है आपकी एक फर्म है, ठीक है, जो भी क्या है आपका लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप में है। सिक्स्थ है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो अनडिवाइडेड फैमिली हो गए तो ये क्या हो गए? HUF हो गई, ठीक है। सिक्स्थ है आपका श्री राम अवतार एंड श्याम सुंदर एंड सन्स, श्याम सुंदर सन्स आ गई, ये क्या है आपके, ये आपकी एक
फर्म है। सिक्स है आपका इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपकी है क्या, ये की कंपनी है। अब इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखते हैं। नंबर सेकंड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड इनकम होती है और कौन सी इनकम टैक्सेबल इनकम होती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, जो आपको हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही हो, कैपिटल गेन से मिल रही हो, ठीक है, अदर सोर्सेज से मिल रही हो, और आपको सप्लाई कर रहे हो अगर आप वाटर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब, या कोई कमोडिटी कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या आप सर्विस दे रहे हो कमोडिटी, ठीक है। अगर ये सब कुछ आप अपने खुद के एरिया में कर रहे हो, मतलब अपनी आपका एरिया सेलेक्ट कर दिया जाता है कि आपकी लोकल अथॉरिटी में आपको इस एरिया दे दिया जाता है कि आप इतने एरिया को क्या करोगे, अपने कंट्रोल में लोगे, आप उसी पर ही बिजनेस कर सकते हो, उसी के पीपल्स को ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इनकम दे दी, अगर आपको इनकम बाहर की दे दी, मतलब बाहर है, तो आप अगर आप कमोडिटी सेल कर रहे हो बाहर की साइड, तो इस पे क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, कमोडिटी सेल कर रहे हो, कमोडिटी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ओनली एक ही इनकम होती है कमोडिटी की। अगर आप अपने एरिया के अलावा दूसरी एरिया पर दूसरे एरिया में सप्लाई करते हो, तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इतना ही आप याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द टैक्सेबल इनकम, आपको फाइंड करनी है लोकल अथॉरिटी, ठीक है। पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या होगा, आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने। सेकेंड है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी मैंने बताया था इस पे भी क्या लग जाएगा, आप एग्जेम्प्ट हो सकती है। ये हो गई आपकी 20 लाख रुपये। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फीस, इंटरेस्ट एंड फीस पे आपको ये क्या है, इनकम अदर सोर्सेज की हो गई, तो ये 5 लाख रुपये यहाँ आ गया। इनकम फ्रॉम सप्लाई एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन लिमिटेड, देखो ये क्या कर रहा है, खुद के एरिया में ही क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आ सकता है। पर अगर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अगर दूसरे एरिया में भी करता है, तो भी वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। इस पर तो अगर यह कमोडिटी आ जाए, तो चेंज हो जाता। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ अदर कमोडिटी, देखो कमोडिटी का भी आ गया, एंड सप्लाई लिमिटेड एरिया ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसको जो एरिया दिया था उसी के अंदर उसने क्या किया है, सप्लाई किया है, तो ये भी आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए से आ गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड द लिमिटेड एरिया, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि इनकम सप्लाई, मतलब इनकम हो रही है कहाँ से, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई कर रहे हो आउटसाइड, बाहर की साइड कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, अगर वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, अगर दूसरे एरिया में भी सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये आपकी 3 लाख यहाँ आ जाएगी, देखो यहाँ आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ अदर कमोडिटी, अदर कमोडिटी की सप्लाई कर रहे हो, खुद के लिमिटेड एरिया के बाहर कर रहे हो, तो इस पर टैक्स लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ एग्जेम्प्टेड इनकम लिख दी पूरी, और एक तो पूरी टैक्सेबल इनकम लिख दो। ओनली एक टैक्सेबल इनकम, एक यही इनकम होती है, और इसके अलावा जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है, आपकी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, मैंने डीप में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।